अब तो चंद्रयान 3 की इतनी खुशी है कि अब पहले कहते थे कि चंदा मामा दूर के, अब तो चंदा मामा घर के हो गए हैं, अब तो चंद्रयान 3 की खुशी में हो गया है। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम चंद्रयान पे टूर करेंगे, मतलब क्या पता आने वाले टाइम में ये टेक्नोलॉजी आ जाए कि 12 घंटे या 15 घंटे या 20 घंटे का सफर आएगा, क्योंकि अभी तो उन्होंने बहुत कुछ खोज करनी है वहां पे, पानी का खोज करना है, धातुओं की खोज करनी है, अभी क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, अभी तो धीरे धीरे बहुत कुछ मिलना बाकी है वहां पे और पता लग जाएगा क्या क्या मिलता है वहां पे। हाँ जी, हाँ जी, मोदी जी के बारे में बहुत एक्साइटेड है और पूरी की पूरी हमारी यहाँ पे टीम बैठी हुई है, खाना खा रहे हैं, चंद्रयान 3 का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, अभी वो आ रहे हैं यहाँ पे, तो उनकी विजिट हमारे लिए, हम तो 20 साल से वेट कर रहे हैं और पहली विजिट है उनकी 40 साल बाद ग्रीस यूनान के अंदर, जो हम हिंदी भाषा में यूनान बोलते हैं इसको, तो देखते हैं अभी क्या होता है आने वाले में, लगता है कुछ देके जाएंगे हमें, कुछ ना कुछ हमारे लिए कुछ ना कुछ डायरेक्ट फ्लाइट देके जाए यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी के लिए, क्योंकि 20 साल से हमारे यहाँ डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, तो डायरेक्ट फ्लाइट हमें देके जाए यहाँ पे, कोई ना कनेक्शन देके जाए यहाँ पे। चंद्रयान एक इतने गर्व की बात है क्योंकि जब हम यहाँ रहते हैं और आज सुबह जितने भी अपने फ्रेंड्स मिले हैं या अपनी जितनी या जो यहाँ ग्रीक कम्युनिटी में जितने दोस्त हैं, जितने भी एक फैमिली की तरह एक माहौल जितना बना है, जो एक्साइटमेंट आज सुबह थी, तो सबको एक फोन करके मैसेज करके हमने जरूर बताया कि हमारा चंद्रयान लैंड किया है, तो वो एक्साइटमेंट, आई एम बीइंग इमोशनल अबाउट इट, क्योंकि कुछ सालों पहले तक, कुछ साल क्या 10 साल पहले तक भी लोगों में ये था, एक लेडी ने एक बार क्वेश्चन किया एक स्कूल की मदर ने, अच्छा इंडिया से हो, सुना है इंडिया में पानी नहीं है, इंडिया में पानी, तब इन लोगों की एक मानसिकता थी, अच्छा तुम्हारे पास ये नहीं है, वहां तो पानी तक की दिक्कत है, लेकिन आज हम चंद्रमा पे पानी खोज रहे हैं, कि जो तरक्की आज इंडिया ने की है, जो मोदी जी के नेतृत्व में देश जहां आज खड़ा है, वो इतने सम्मान, हर भारतीय के लिए सम्मान की बात है, जो गर्व हमें महसूस होता है, जो इंडिया में लोग गर्व महसूस करते हैं वो तो मैं सोच नहीं सकती, लेकिन देश से बाहर इतने दूर रह के वहाँ जब जो लोग जब साल में एक बार दो बार सिर्फ कुछ दिनों के लिए जा पाते हैं, जब उनके अंदर जितनी गर्व की भावना है, तो देशवासियों में जो अपने स्वदेश में रहते हैं उनके अंदर कितनी होगी, ये सोच पाना भी थोड़ा सा मुश्किल है।
तालियां।